सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। तो कैसे हो आप सभी लोग, होप कि सभी लोग बढ़िया हो गए। तो फाइनली दोस्तों आखिरकार मेरे दुख दर्द खत्म हो गए और मेरे एग्जाम भी खत्म हो गई। सो वेल इससे हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल जाएगा वीडियो बनाने के लिए। और हाँ, मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही जल्द एक छोटा सा सरप्राइज लेके आने वाला हूँ और वो सरप्राइज आप सभी को काफ़ी पसंद आने वाला है। बट अभी थोड़ा सा उस पर काम चल रहा है तो थोड़ा दिन वेट कर लो, मगर वो आपके लिए ही है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको शॉर्ट आउट देना चाहता हूँ उन सभी विनर्स को जो हमने पिछले वीडियोस में उनसे क्वेश्चन पूछे थे एज अ पॉके क्विज। सो ये रहे वो सभी विनर्स। और अगर आप भी शॉर्ट आउट जीतना चाहते हो तो इस वीडियो का एंड तक देखो और आंसर द पॉके क्विज का। तो दोस्तों चलो जल्दी से वीडियो शुरू कर देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे सिंचाई के रिलेटेड सीन जो कि काफ़ी फनी वाले होने वाले हैं आज के भी। तो दोस्तों यहाँ पर आप पहले सीन में ये देख सकते हो कि यहाँ पर सिंचन की मम घर से बाहर जा रही है और उसके पीछे एग्जैक्ट सिंचन खड़ा होता हुआ है, मगर उसकी मम कुछ भूल जाती है तो वो फिर से घर में जाती है। मगर वहाँ पर सिंचन कुछ ऐसी हरकतें करता है उसके मम के साथ जिसको देखने के बाद उसकी मम उसके छक्के छोड़ा देती है। मतलब कि यार इतना मारती है ना कि उसके मम ही सूझ जाते हैं बेचारा सिंचन। मगर ये उसके हरकतों के वजह से ही हुआ है और ऐसे रिलेटेड सीन हम डिलीट ही कर देना चाहते हैं इंडिया वाले, क्योंकि यार ऐसे सीन्स तो हम कभी भी दिखाई गए नहीं, क्योंकि ये तरीके से अपने पेरेंट्स का मजाक उड़ाना होता है। तो ये सभी जो चीज़ें होती है वो सिंचन के एनिमे से डिलीट कर दिए जाते हैं क्योंकि यहाँ के बच्चे ना बिगड़े। तो यहाँ पर एक और उसके ही जैसा एक सीन है सिंचन का जो कि काफ़ी यार एडल्ट है और ये सच में यार इंडियन टेलीविज़न में कभी भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि इससे टीचर और स्टूडेंट के बीच में यार जो डिसिप्लिन होता है वो बिगड़ सकता है। क्योंकि यहाँ पर आप देख ही सकते हो कि यार यहाँ पर एक सीन है, यहाँ पर सिंचन की मैम है जो कि योशिनागा मैडम है और उसके बाकी सभी बच्चे हैं वो सभी लोग एक ही घर में है, योशिनागा मैडम के घर में, और ये सभी लोग खेल रहे हैं। और यहाँ पर योशिनागा मैडम पता नहीं क्या पहन कर सोई है सिंचन के साथ और वो बातें बातें में ही वो भूल जाती है कि उन्होंने कुछ गंदा सा पहना हुआ है और वो सबके सामने आ जाता है। तो यहाँ पर ये देख ही सकते हो कि इसी वजह से ये जो सीन था वो डिलीट हुआ था और मैंने ये पूरा एपिसोड इंग्लिश में देख रखा है। सो वेल अगर आप भी देखना चाहते हो तो आप भी देख सकते हो किसी भी वेबसाइट या अदर सोर्स में जाकर। सो वेल दोस्तों नेक्स्ट अब हम देखने वाले हैं डोरेमोन का रिलेटेड सीन। मुझे डोरेमोन के काफ़ी ओल्ड एपिसोड के रिलेटेड सीन मिलते जा रहे हैं और मुझे वो सभी सीन अच्छा लग रहा है, क्योंकि यार वो सभी सीन्स आपको देखने चाहिए क्योंकि उसमें से डोरेमोन की ओल्ड मेमोरीज हमें दिख जाती है। तो वैसे ही आज मैं लेके आया हूँ ये वाला सीन। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर सुन्यो है वो सुजुका को छेड़ रहा है और ऐसा लगता है कि सुन्यो काफ़ी गुस्से में है, लगता है कि सुजुका ने उसके साथ कुछ गलत किया है। मगर सुजुका ऐसा नहीं कर सकते, हम सभी को पता है। पता नहीं सुन्यो को क्या हुआ होगा इस एपिसोड में, मगर वो सीधा जाकर सुजुका की स्कर्ट ही खींच देता है जो कि काफ़ी गंदी बात होती है। और मैंने आज तक सुन्यो को कभी सुजुका को छेड़ते हुए नहीं देखा था, मगर मैंने इस एपिसोड में सुन्यो को पहली बार ये करते हुए देखा है। वैसे इवेंट्स जियान और नोबिता ने तो पहले से कर रखा है, मगर यार ये सुन्यो भी अब इंक्लूडेड हो गया है इसके बाद। जो उसके बाद नेक्स्ट रिलेटेड सीन है उसमें भी यही वाला सीन होता है, मगर बस कैरेक्टर चेंज हो जाते हैं, सुन्यो की जगह नोबिता आ जाता है, मगर वो भी मिसबिहेवियर करता है सुजुका के साथ, बेचारी सुजुका हमारी। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो इस सीन में हमें दिखाया जाता है कि नोबिता सीधा जाकर सुजुका की स्कर्ट ऊपर कर देता है और उस स्कर्ट में से एक मधुमक्खी निकलती है। पता नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है, बट मैंने ये एपिसोड नहीं देखा सो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन तो नहीं कर पाऊंगा। तो इसमें से यह होता है फिर सुजुका नोबिता को यार गले लगा लेती है। पता नहीं भाई ऐसा क्यों है यार, स्कर्ट खींचने के बाद कोई गले थोड़ी लगाता है, चाटा लगाता है। मगर जो भी हो यार इस एपिसोड के एंड में सुजुका और नोबिता हाथ पकड़कर चल देते हैं और उनके प्यार के मौसम खिलने लगते हैं धीरे धीरे। तो दोस्तों अब हमारे रिलेटेड सीन खत्म हो गए हैं और हम देखने वाले हैं बोनस एनिमे। तो बोनस एनिमे में आज भी है पर मैन, जो कि आज पर हमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो अपनी सीट को थाम लो और कस के बैठ जाओ यार। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है ना तो जल्दी से कर लो, क्योंकि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आ रही होगी। और कमेंट में भी बताओ कि आपको कौन सा रिलेटेड सीन ज़्यादा पसंद आ रहा है, तो जाओ और जल्दी से कमेंट करो। तो यहाँ पर परमैन का फर्स्ट रिलेटेड सीन ये वाला होता है। यहाँ पर परमैन को एक गैजेट मिलता है जिसके मदद से वो आर पर देख सकता है किसी भी चीज़ के, तो वो इस गैजेट का गलत इस्तेमाल करता है और लड़के के घर में जागता है पहले और फिर दूसरी बार वो एक
जो बाथ टब का वो पूरा का पूरा एरिया होता है जहाँ पर लोग नहाते हैं, मुझे पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, मगर वो वहाँ पर भी जागता है उस गैजेट के मदद से। और लास्ट में वो एक लड़की के ऊपर जागता है, मगर उसका लोल हो जाता है क्योंकि वो लड़की नहीं, वो एक लड़का होता है, वो मेकअप करके आया होता है और वो भाई कोई चोर बोर मुझे लग रहा होता है। और ये सीन देख कर मुझे काफ़ी हंसी आई थी क्योंकि परमैन की जो इच्छा थी ना देखने की, वो बेचारा कभी देख ही नहीं पाया इस एपिसोड में। तो अब देखते हैं परमैन का सीन नंबर 2। तो यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हो कि यहाँ पर पाको आई है एक सेक्सी से यूनिफॉर्म में, और हमारे मिच्चू को पढ़ाने के लिए आई होती है। और यहाँ पर मिच्चू काफ़ी थरकीपन करते हुए, और जब पाको उसको पढ़ाती है मिच्चू को, कुछ मैथ्स का प्रॉब्लम होता है उसको, इसलिए वो टीचिंग करती है। मगर यहाँ पर मिच्चू वो पढ़ाई करने के बजाय वो मिसबिहेवियर करता है पाको के साथ और वो कुछ ऐसा होता है, आप सभी लोग देख ही सकते हो। मगर ये सब कुछ देखने के बाद पाको को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो मिच्चू की अच्छी खासी धुलाई कर देता है। और उसके बाद वो उसके रोबोट को भी मारती है, भाई काफ़ी फनी सीन था ये। सो फाइनली गाइस, अब हम देखने वाले हैं पोकेमोन का डिलेटेड सीन। मगर उस डिलेटेड सीन को शुरू करने से पहले ये बताओ कि है कौन सा पोकेमोन है। अगर आपने इस पोके क्विज का आंसर दे दिया ना तो आपको शॉर्ट आउट का मौका मिल सकता है नेक्स्ट वीडियो में, तो होप कि कोई भी ये मौका मिस नहीं करना चाहेगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक और बार बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो कर लो, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेगी और आप कभी भी हमारे वीडियोस भी मिस नहीं कर पाओगे। सो वेल यार, पोकेमोन के रिलेटेड सीन शुरू करते हैं। तो ये रहा आज का पोकेमोन का रिलेटेड सीन। इसमें कुछ और तो नहीं है, मगर इसमें हग्स है पोकेमोन के जो कि दिखाने लायक नहीं होते। यहाँ पर आप पहला हग देख सकते हो इस लेडी का जो कि एस को हग करती है, मगर इस हग को कुछ अलग ही तरीके से दिखाया गया है। और यहाँ पर आप उसका एनिमेशन भी देख सकते हो, काफ़ी डर्टी सा लग रहा है, मगर ये है तो सिर्फ सिंपल सा हग, मगर ये कुछ हग से ज़्यादा लग रहा है। यहाँ पर आप एस को भी देख सकते हो सेकेंड लेडी के साथ जो कि लाना है, और इस लाना का एक सीन होता है कि उसका बेटा होता है वो भी एस की तरह ही हो बहुत दिखता है, दैट्स वाई वो एस को ही अपना बेटा मान लेती है और उसको जाकर सीधा गले लगा लेती है। और उसको भाई एस के साथ काफ़ी अटैचमेंट होता है बिकॉज वो उसके लड़के के जैसा ही दिखता है और वो हर बार उसको गले लगाती है, और इसी वजह से एस उसके हग से बचने के लिए दूर दूर भागते रहता है। और यहाँ पर लाना जो होती है वो काफ़ी बुरी तरीके से एस को गले लगाती है, जो कि हमें यार देखना ही नहीं चाहिए। वो आप सभी लोग समझ ही सकते हो कि ऐसा मैं क्यों ही बोल रहा हूँ, मगर ये जो लाना होती है वो एक काफ़ी अच्छी जिम लीडर होती है। सो वेल, आप इस सभी सीन से अंदाजा लगा ही सकते हो कि इसी वजह से पोकेमोन में जो थोड़े हग सीन होते हैं वो डिलीट करने की जरूरत आ गई थी उन सभी को। तो इसी वजह से उन सभी सीन्स को सेंसर या फिर तो डिलीट कर दिया गया था। मगर अब आज की बात करें तो अभी तो ये सभी सीन्स हमें टेलीविजन पर देखने को मिल सकते हैं, तो आप लोग इन सभी सीन्स को देख सकते हो बड़े ही आराम से। तो होप दोस्तों आज आपकी इच्छा पूरी हो गई होगी डिलीटेड सीन देखने की। तो ऐसे वीडियोस हम लाते रहेंगे हर बार और आपको दिखाते रहेंगे और आपको नॉलेज देते रहेंगे इन सभी एनिमे के बारे में। तो दोस्तों, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। मगर उससे पहले, अगर आपने ये वीडियो देखा है और आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और उनको भी बताओ कि ऐसे सभी डिलीटेड सीन आए थे इस एनिमे में जो कि तुम्हें भी देखने चाहिए। तो जल्दी से जाओ और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा एंड बाय बाय।